आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री और शिवसेना नेता, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार पर लग रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। आदित्य ने कहा कि सुशांत की मौत दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली थी। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून में भरोसा नहीं रखते, वे लोग बेवजह शक पैदा कर रहे हैं और सही से जांच नहीं होने देने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में सड़क छाप राजनीति की जा रही है। ठाकरे ने उनके परिवार को इस मामले में घसीटे जाने पर कहा, गंदी राजनीति हो रही है, लेकिन फिर भी हम सब्र रखे हुए हैं। लोग महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रियता और कामयाबी से जलते हैं। कुछ लोग बिना वजह मुझ पर और ठाकरे परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक नाकामी की कुंठा का नतीजा है। किसी मरे हुए व्यक्ति को लेकर राजनीति करना इंसानियत पर धब्बा है। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। ठाकरे ने कहा कि बॉलीवुड मुंबई का हिस्सा है, इससे कई लोगों को रोजगार मिलता है। उनके भी कई बॉलीवुड हस्तियों से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन बॉलीवुड में किसी व्यक्ति से संबंध होना कोई अपराध तो नहीं। आदित्य ने कहा, मैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का पोता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे उनकी छवि को नुकसान हो। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वे सामने आए और मुंबई पुलिस को जांच के लिए सबूत दें। वो ये सपने देखना छोड़ दें कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर वे ठाकरे परिवार या सरकार को बदनाम कर पाएंगे। आदित्य ठाकरे का बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी नेता नारायण राणे ने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनका मर्डर हुआ है। राणे ने 4 अगस्त को दिन में आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस इस मामले को सुसाइड का बताकर कुछ छुपा रही है। राणे ने कहा, ये काफी अहम केस है, लेकिन सारा ध्यान हटाया जा रहा है। बाकियों की तरह मैं भी कहता हूँ कि सुसाइड नहीं, हत्या थी। 50 दिन हो गए हैं, लेकिन जगत विख्यात मुंबई पुलिस अभी तक असली अपराधी को नहीं ढूंढ पाई है। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सुशांत केस में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। बता दें कि सुशांत की मौत 14 जून को हुई थी। मुंबई पुलिस ने बताया था कि वे अपने घर में फंदे से लटके मिले थे, उन्होंने सुसाइड किया था। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉक पर सेहत सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।